स्वागत है आप सभी का जेन्युइन टिप्स पर। आज मैं बालायन से रिलेटेड कुछ डाउट्स जो है वो सब मैं क्लियर करने वाला हूँ। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन जेन्युइन और रीज़न के साथ मिले। साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो उम्मीद करता हूँ बेल आइकन बटन भी आपने दबा दिया होगा। चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोगों को डाउट है कि भाई नेल रूट जो है, ये जो देख रहे हैं ये नेल रूट है, यहाँ से कैसे रगड़ना है, बालायाम कब तक करना है, कितने दिन में रिजल्ट आने वाला है और कितने मिनट करना है, ये सब कुछ डाउट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बालायाम करना कैसे है। ठीक है, आपको ये रगड़ना है, अभी इसमें तो आप क्लियर समझ नहीं पा रहे हैं। तो पहला इमेज देखिए, पहला इमेज में ये जो आपको दिख रहा है सेफ जोन करके जो दिखा रहा हूँ, ये सर्कल बनाया हुआ वो है सेफ जोन। आपको दोनों हाथों के फिंगर नेल्स को उस एरिया से रगड़ना है। और दूसरा इमेज जो है वो देखिए, वो सेफ जोन नहीं है, वो ऊपर के हिस्से में आप दिख रहे हैं। अब बात यह है कि अब जो सेफ जोन से जब रगड़ने की कोशिश करते तो नो डाउट हमारे जो शेप बने हुए हैं इस कदर बने हुए हैं कि यहाँ पर ऊपर है और ये ऊपर है और ये जो पोर्शन है, इतना जो पोर्शन है ये अंदर के पार्ट में, तो जब हम दोनों इसको रगड़ने की कोशिश करते हैं, जब इसको मिलाकर, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, डिफ़िकल्ट है। तो हमें अब करना क्या है, देखिए प्रैक्टिस करना है। ये इसलिए बोला जाता है, ये सेफ जोन इसलिए है ये नीचे से, ताकि आपके शरीर के हर एक हिस्से में बाल ना आए। मतलब उससे क्या हो, आपके यहाँ पर उधर का जो नर्व्स है यहाँ से कनेक्टेड है, तो आपके बाल यहाँ पर आएंगे और शरीर के बाकी हिस्से में नहीं आएंगे, चेस्ट या शोल्डर या हाथ पे। और अगर आप ये टॉप जोन से करते हैं जो कि अनसेफ जोन है, वहाँ से करेंगे तो नो डाउट आप प्रेस, जब ये प्रेशर बनाएंगे इसे प्रेस करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से भी वो प्रेस होगा, यहाँ से भी आपका कनेक्शन रहेगा, तो उससे बाल तो आएंगे लेकिन चेस्ट और शोल्डर पे भी बाल आ सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए, नीचे से करने के लिए ज़्यादातर बोला जाता है। ठीक है, अभी कुछ लोग बोलते हैं, पहले बोलते थे कि भाई बाबा रामदेव ने तो ऐसा कभी बोला नहीं, लेकिन अगर आप रिसेंट वीडियोस में देखेंगे तो बाबा रामदेव जी भी वही बात बोल रहे हैं कि नीचे से रगड़िए, नीचे से। तो देखिए अभी वो रगड़ते, देखिए बाबा रामदेव की वजह से आज हम लोग बालायाम को जान पा रहे हैं। बालायाम कब से बनाया हुआ है, बहुत पहले से, लेकिन इसका प्रचार नहीं हुआ था, आज उनके वजह से आज हम सब जान पा रहे हैं। लेकिन अभी उनके शरीर में ऑलरेडी बहुत सारे हेयर्स हैं, बाल है, तो इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को नोट नहीं किया होगा। अभी जो आप और हम करते हैं तो हमको पता चलता है ना, कि अभी देखिए बहुत से कमेंट व्यूअर्स भी बोले, हाँ यार मेरे चेस्ट पे शोल्डर पे बाल आए थे, मैं इतने दिन से इस तरीके से कर रहा था। अभी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोगों को डाउट है भाई एक हाथ से करना है ऐसे कि दो हाथ से करना है, अभी ये नेल रूट और दूसरे हाथ का ये फिंगर स्टॉप से करना है, तो ऐसा जैसे कि बाबा रामदेव जैसे दिखाते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बात वो है कि आपके चेस्ट और यहाँ पर भी बाल आ सकते हैं। तो अब यहाँ से नहीं हो पा रहे तो कैसे करें, तो देखिए प्रैक्टिस, जैसे कि जिम जाने से पहले आपकी बॉडी कैसी होती है और जिम जाने के बाद आप उसको कैसे शेप में लाते हैं, वैसे ही ये रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद आपके ये शेप में आ जाएंगे। और आपको ये जोर से करना है थोड़ा, ताकि आवाज़ आए। देखिए आवाज़ सुने, जितना ज़्यादा अच्छे से वाइब्रेशन करेंगे उतना अच्छे से आपको रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं कि भाई आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, भले 15-20 मिनट करें कुछ फ़र्क नहीं होगा। अब सवाल ये है कि कितने मिनट तक करना है, तो सुबह 10 मिनट और रात को 10 मिनट, 15 मिनट भी करेंगे तो अच्छा है, जितना ज़्यादा करेंगे अच्छा है। लेकिन बहुत से लोग बोलते बाबा रामदेव ने तो 5 मिनट बोला है, लेकिन बाबा रामदेव जी ये मान के चलते हैं कि आप साथ ही साथ योगा भी कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब कर रहे हैं। वो तो बोलते हैं रेगुलर इसको करना ही करना है, तो वो ये मान के चल रहे हैं वो आप कर रहे हैं, उसके बाद आप ये 5 मिनट कर रहे हैं। अकेले सिर्फ ये 5 मिनट करेंगे तो क्या फ़ायदा कुछ भी यार, वार्म अप हीटिंग अप के लिए भी तो कम से कम 10-15 मिनट एक्सरसाइज होना चाहिए। अगर आप कपालभाति कुछ भी बाकी योगा नहीं कर रहे थे, इसको 10-15 मिनट आपको करना ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कब तक करना है, इसको आपको लाइफ टाइम तक रेगुलर हैबिट बनाना है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। अब इसमें क्या होता है कि आप जब बाल आ जाते हैं, आप छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे, अब जैसे मिनोक्सिलिन से बहुत जल्दी गिरने लगते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा दिन तक टिकते हैं, लेकिन फाइनली क्या होता है, जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे बंद होगा, आपके बाल झड़ना धीरे धीरे फिर से चालू होगा। परमानेंट क्योर अभी कुछ है नहीं, इसीलिए इसको जैसे एक्सरसाइज फिटनेस के लिए योगा, जिमिंग, ये सब ज़रूरी है, रनिंग, उसी प्रकार हेल्दी हेयर के लिए ब्लड सर्कुलेशन ज़रूरी है। ब्लड सर्कुलेशन जब तक करते रहेंगे, न्यूट्रिशंस वहाँ तक पहुँचेंगे और आपको रिजल्ट मिलेगा।
कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं मिल पाता है कि भाई वो न्यूट्रिशंस भी ले रहे हैं अच्छे से, ब्लड सर्कुलेशन भी कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि डाइजेशन की वजह से। इनडाइजेशन अगर हो तो भाई आप खाना खा रहे पच ही नहीं रहा, पच नहीं रहा मतलब क्या, वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, जो विटामिन मिनरल्स है वो सब एब्जॉर्ब होना चाहिए, तो ब्लड में वो मिल ही नहीं रहा, ब्लड तो वहाँ पर पहुँच रहा है लेकिन मिनरल्स विटामिन्स ना पहुँचने के कारण फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आपको डाइजेशन पर भी ध्यान देना है, मैं इन सब से रिलेटेड धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं रिजल्ट कब तक मिलने वाला है, कब हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा और किन को स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, जिनके 60 से 80% बाल झड़ गए हैं उनको रिजल्ट कम्प्लीटली पाने में से कम 1.5 से 2 साल लग जाएंगे, क्योंकि आप ये मान के चलिए आपको 200 किलोमीटर तक जाना है, ठीक है, तो आप पैदल जाएंगे तो टाइम तो लगेगा। अब अगर आप गाड़ी से जाएंगे तो जल्दी है, तो वो गाड़ी क्या है, मिनोक्सिडिल या डर्मा रोलर है, ये फास्ट काम करवाते हैं, ठीक है। और पैदल भी जाएंगे पहुँच तो जाएंगे, वैसे ही बालायम करेंगे आपको धैर्य रखना पड़ेगा 1-1.5 साल तक, 1.5-2 साल तक, तब जाके आपको रिजल्ट दिखेगा। नहीं तो आप पहले प्रोसीजर मिनोक्सिडिल या डर्मा रोलर से पहले पहुँच जाइए, फिर बालायम स्टार्ट कर दीजिए छोड़ने के बाद, नहीं तो। और इसके बाद बात करते हैं कि जिनके अगर 30-40% बाल झड़े हैं तो वो स्टार्ट कर सकते हैं, उनको 8-9 महीने के बाद से रिजल्ट दिखेगा। जिनके 20% ऐसे झड़े या फिर झड़ना स्टार्ट हुआ, वो बालायम स्टार्ट कर दीजिए, 3-4 महीने के अंदर सबको रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा, सिंपल। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन बालायम से रिलेटेड एकदम क्लियर हो गए, आपके डाउट्स सब कुछ मैंने क्लियर किया है। ऐसे ही हेयर हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए वरना डिसलाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और उनके उम्मीद को भी जगाइए। थैंक यू।